लेट्स डू माइक टेस्ट. नई जगह, नया बैकग्राउंड, पता नहीं आवाज़ कैसी आई, सराउंड होगी, एको होगी. यहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, सो यहाँ पे भी आपको कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आने वाली है, बट आई थिंक लाइटिंग एंड ऑल इज ओके. वी कैन स्टार्ट. हाय गाइस, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयर एवर यू आर. मैं आ गई हूँ न्यू घर में. बाय द वे, आई एम मैरिड. इससे पहले वाली मेरी जितनी वीडियोज़ आई हैं वो सारी शॉर्ट वीडियोज़ आई हैं, बिकॉज शादी के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था. पूरा मार्च मंथ मैंने शॉर्ट वीडियो कॉन्टेंट ही डाला है, सो दैट थोड़ा बहुत रेगुलर रहूँ अपने चैनल पर. बट आई एम बैक विद रेगुलर वीडियोज़ नाउ. सो नया नया बैकग्राउंड आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली अब मैं अपने ससुराल में आ गई हूँ. सो आई होप यू लाइक न्यू सेटअप एंड ऑल. अभी मैंने प्रॉपर स्टूडियो सेटअप नहीं किया है, तो जब होगा तब आपको पता चल जाएगा. बट फॉर नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस अर्बैनिक हॉल, जो एक्चुअली मुझे बहुत पहले रिसीव हुआ था. आई रिमेंबर ये मैंने फेब के फर्स्ट वीक में शॉप किया था, और ये ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ था अराउंड 14 और 15 फेब, और 19 फेब से मेरी शादी के फंक्शन थे सारे. सो ये जो हॉल है वो स्पेसिफिकली यू कैन कॉल इट हनीमून स्पेशल हॉल, बिकॉज मैंने जितने भी कपड़े मंगवाए हैं अर्बैनिक से, ये सारे वो सेक्सी वाले हनीमून ड्रेसेस हैं जो कहीं बाहर जाते हैं ना तब पहनते हैं. प्लस मैंने काफी सारे बैग्स भी शॉप करे हैं. आई रियली वांट टू सी कि अर्बैनिक की बैग्स की क्वालिटी कैसे आती है, तो मैंने काफी सारे बैग्स भी शॉप करें. सो इस वीडियो में आपको क्लोथिंग बैग्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मेरे फेवरेट आउटफिट के साथ, जो मुझे पूरे हॉल में बहुत अच्छा लगा. लाइक इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई है, इसका मटीरियल बहुत अच्छा है. इट्स लाइक अ वेरी प्रिटी डेट नाइट काइंड ऑफ ड्रेस. दिस हाउ द ड्रेस लुक्स लाइक. ये हॉल्टरनेक की ड्रेस है. हॉल्टरनेक एज इन जो नेकलाइन वाली नेक होता है ना, विद दिस कट ऐसी वाली ड्रेस है. द शाइन इज सो प्रिटी, लाइक लाइट में कितना सुंदर लग रहा है. इट्स अ वेरी क्लासी ब्लू कलर. सो मॉडल ने जैसी पहनी है ना, मैं यहाँ पे मॉडल की पिक्चर भी इंसर्ट कर दूंगी. आप देख सकते हो मॉडल ने फ्रंट में नॉट बांधी हुई है. इसमें बाय द वे तीन कलर्स अवेलेबल हैं. देयर इज अ वेरी प्रिटी एप्रिकॉट कलर एज वेल. आप देख सकते हो कितना सुंदर कलर है. लेकिन मैंने जो ऑर्डर किया है वो है नेवी कलर. मीडियम साइज मैंने बाय द वे ऑर्डर किया. मैं सबके आपको साइजिंग का भी आइडिया दे दूंगी. इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई है. थैंक गॉड मैंने मीडियम मंगवाई है, बिकॉज स्मॉल क्या होती है, मुझे यहां से आ जाती है, बट अगेन टमी से बहुत टाइट आती है, और टमी से ड्रेस टाइट आती है तो फिर बहुत ऑकवर्ड लगता है. तो इस बार मैंने सारी ड्रेसेस एक साइज अप मंगवाई है, बिकॉज यू नेवर नो, शादी के बाद कभी कभी वेट गेन हो जाता है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. यू कैन सी मेरे ऊपर कितनी प्रिटी लग रही है. थोड़ा सा अगेन मीडियम है ना, तो यहाँ से हल्का हल्का लूज है, जो मैं ऑल्टर करा लूँगी. किसी भी टेलर के पास जाओ आप, हल्का सा ऐसे सिलाई करवा सकते हो, एंड यू आर गुड टू गो. द मटेरियल इज रियली नाइस. आई थॉट कि वो सैटन वाला मटेरियल होगा जो थोड़ा सा हार्श होगा, टाइट होगा, बट ऐसा नहीं है. इट्स अ वेरी नाइस स्ट्रेची मटेरियल. लाइक यू कैन सी, कैन यू फील द स्ट्रेच. सो इसका स्ट्रेच भी काफी अच्छा है. सो आपको बिल्कुल ऐसा टाइट टाइट फंसा हुआ फील नहीं होगा. ऑब्वियसली अगर आपको प्रॉपर एक बॉडीकॉन टाइट फिटिंग की लाइक शेप चाहिए, तो आप स्मॉल साइज ले सकते हो. बट फॉर माई साइज आई थिंक मीडियम इज ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल. दिस इज डेफिनेटली अ मस्ट बाय. इसका एमआरपी मैं आपको बता देती हूँ. करंटली अर्बैनिक पर ये है 2090 की. आई थिंक दिस इज वर्थ एवरी पेनी. बाय द वे आई ऑल्सो हैव अ कोड विद अर्बैनिक, मैं आप इंसर्ट कर दूंगी. ये कोड जब आप अप्लाई करोगे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और जो भी डिटेल्स है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो मेक श्योर यू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नेक्स्ट इज द मोस्ट वाइब्रेंट आउटफिट ऑफ माई लाइफ. मतलब इससे पहले मैंने कभी ऐसे वाइब्रेंट कलर्स नहीं खरीदे. कहते हैं ना शादी के बाद चॉइस थोड़ी सी चेंज आती है. सो पहले मैं बड़े सटल बोरिंग पहनती थी. अब मुझे ऐसा लगता है चूड़ा पहन लिया, एकदम अच्छे ब्राइट ब्राइट कलर्स पहने हैं, तो ऐसे कलर्स पहने तो प्रिटी लगते हैं. सो ये भी मैंने एक कॉर्ड सेट लिया है. अगेन परफेक्ट फॉर एनी बीच वेकेशन. लाइक आप कहीं बीची जगह पे जा रहे हो तो अच्छे लगते हैं, काफी वाइब्रेंट लगते हैं. सो सबसे पहले आता है इसमें टॉप, जो आई थिंक इस क्या कहते हैं इसको, निटवेयर सॉर्ट ऑफ कहते हैं. बहुत प्रिटी टॉप है, वेरी वेरी कंफर्टेबल. अगेन बहुत अच्छी फिट आई है. द ओनली थिंग इज ऐसे वाले टॉप के नीचे आपको स्ट्रैपलेस पहननी पड़ती है. आप स्ट्रैप वाली ब्रा नहीं पहन सकते. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. नीचे भी क्रोशे का काफी अच्छा डिजाइन है. यू कैन सी कितना सुंदर इसमें ऐसे क्रोशे का डिजाइन दिया हुआ है. मैंने साइज ऑर्डर किया है एम. मैंने जैसे कि आपको बोला एस आता है, लेकिन सबको जब मैंने एमएम लिया है, बिकॉज जस्ट इन केस टाइट आया तो रिस्क नहीं लेना. सो दिस इज द टॉप एंड दिस इज द स्कर्ट. अगेन वेरी वेरी प्रिटी. कॉर्ड सेट लेने का ये फायदा होता है कि आप इसको मल्टीपल वेज में स्टाइल कर सकते हो. लाइक इसको आप कोई डेनिम के साथ पहन सकते हो, स्कर्ट को आप किसी और टॉप के साथ स्टाइल कर सकते हो. इसके अलावा आप कोई पैंट्स भी पहनोगे तो बहुत अच्छी लगेंगी. सो डेफिनेटली अच्छा रहता है, डील अच्छी मिल जाती है, और एक अच्छे तरीके से आप इसको स्टाइल भी कर सकते हो. सो ये पेंसिल स्कर्ट है, पीछे हल्की से ऐसे स्लिट दी हुई है फॉर कम्फर्ट. अगेन बहुत अच्छी फिट आई है. मीडियम के हिसाब से भी द फिट इज रियली नाइस. यू कैन सी मेरे ऊपर कितनी प्रिटी लग रही है. इनफैक्ट सारे आउटफिट में से यही एक आउटफिट है जो प्रॉपर अच्छा फिट आया. इसको मुझे थोड़ा बहुत ऑल्टर कराने की बिल्कुल नीड नहीं है. ये कॉम्बिनेशन है ग्रीन पिंक. बाय द वे इसमें आपको एस एम एल एक्सएल तक के साइजेस मिल जाएंगे. डेफिनेटली अ मस्ट बाय. नाउ सिंस हम ब्राइट चटाक वाले कलर्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने एक और ड्रेस ऑर्डर करी है अगेन, जिसका भी एकदम ब्राइट चटाक वाला कलर है. मैंने आई थिंक ज्यादा बीची वेकेशन वाले कपड़े ज्यादा ऑर्डर कर दिए, बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इसका कलर मतलब बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है. लिटरली जितने भी सारे ब्राइट कलर्स होते हैं ना,
समर्स वाले वो इसके अंदर आपको मिल जाएंगे. सो इट्स लाइक अ बीची सॉर्ट ऑफ ड्रेस, ऊपर ऐसे बिकनी वाला इसका टॉप है जो अगेन वेरी अनकंफर्टेबल. अभी के लिए तो मुझे अनकंफर्टेबल लगा, कहीं बाहर जाओ तो ऑब्वियसली आप कंफर्टेबली पहन सकते हो. अभी मुझे इसका फिट नहीं समझ आया तो मैं इसको प्रॉपर ट्राई नहीं कर पाई, मैंने खाली नीचे स्कर्ट की तरह आपको टक करके दिखाया. एंड दिस इज ऑल्सो नाइस, लाइक अगर आप इसको एज अ स्कर्ट भी कैरी करना चाहते हो, इस पोर्शन को आप नीचे से टक कर सकते हो एंड यू कैन वेयर इट एज अ स्कर्ट एज वेल. तो अगेन आपका 2-in-1 वाला काम हो रहा है. सो ये पूरी लॉन्ग एक ड्रेस है, इस ड्रेस का नाम है बैकलेस ए लाइन ड्रेस और इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन अवेलेबल है. वी हैव रेड का कॉम्बिनेशन, नियॉन ग्रीन का कॉम्बिनेशन, नियॉन पिंक का. सो इसमें जो मैंने कलर ऑर्डर किया है वो है नियॉन ग्रीन जो दिखता है कुछ इस तरह से, लेकिन आपको और भी बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे. लाइक यू गेट अ नाइस रेड कॉम्बिनेशन एज वेल जो दिखता है कुछ इस तरह से. देन वी हैव अ डार्क ब्लू का कॉम्बिनेशन, मतलब ये काफी प्रिटी लगती है, जस्ट दैट आपको इसको टाई करना आना चाहिए. जो मैंने साइज ऑर्डर किया है वो है एस, बिकॉज ऐसे जो बिकनी टॉप वाली ड्रेसेस होती हैं उसमें आपको स्मॉल साइज ही लेना होता है. आप जितना बड़ा साइज लोगे उतना लूज आएगा. सो ऑलवेज जो ये वाली स्टाइल की ड्रेसेस होती हैं उसमें एक साइज डाउन ही लिया करो. नेक्स्ट अप आई ऑर्डर 2 कॉकटेल ड्रेसेस. जैसे कि मैंने आपको बताया था ये ऑर्डर मैंने फेब के फर्स्ट वीक में प्लेस किया था. सो आई वॉज अनश्योर कि मैं अपने कॉकटेल फंक्शन में क्या पहनूँ. ये 2 ड्रेसेस मैंने एज अ बैकअप ऑर्डर कर ली थी. सबसे पहली तो ये वाली ड्रेस है ग्रीन कलर की, जो मैंने ध्यान से देखा नहीं, जो पूरी पीछे से बैकलेस थी. तो जब आई वॉज लाइक नहीं, मैं नहीं पहन सकती, बिकॉज ऑब्वियसली कॉकटेल पर फैमिली भी होती है तो थोड़ा सा अजीब लगता है. दिस इज अगेन मोर लाइक अ बीची डेट नाइट सॉर्ट ऑफ ड्रेस, क्या आप अपने हस्बैंड के साथ पार्टनर के साथ कहीं डेट पे जा रहे हो अकेले तब आप पहन सकते हो, बिकॉज पीछे से पूरी बैकलेस है. बट दिस इज वेरी प्रिटी. सो इसमें क्या है, आपको नीचे से बिकनी बॉटम मिलता है जो ऐसे टक करने वाला होता है ना, दिस इज कॉल्ड बिकनी बॉटम बाय द वे. इसमें आप नीचे से टक कर सकते हो एंड दिस इज कम्प्लीटली ट्रांजी ऑन द बॉटम साइड. सो जैसे वो बीची वाली होती है ना जो हल्की हल्की ट्रांजी होती है, बिल्कुल वही वाली ड्रेस है. आप देख सकते हो अभी भी कितनी ट्रांजी लग रही है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. एंड बैक से ये कम्प्लीटली बैकलेस है. जैसे पहले वाली ड्रेस थी ना मल्टी कलर्ड वाली, ये भी पूरी बैकलेस है पीछे से. अगेन यहाँ से आप टाई कर सकते हो, यहाँ से आप लेंथ एडजस्ट कर सकते हो, आपको लूज रखना है टाइट रखना है. यहाँ पर मैं डेफिनेटली कोई बटन लगाने वाली हूँ, बिकॉज इनमें आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलता. सो कभी भी एक वार्डरोब मैलफंक्शन हो सकता है. सो आपको कुछ भी एक आई बटन हुक आई लगा सकते हो, उससे थोड़ा सा एक कम्फर्ट आ जाता है. सो फ्रंट यू कैन सी काफी ग्लिटरी है इसका, बिकनी सॉर्ट ऑफ एक फ्रंट है जो काफी ग्लिटरी शिमरी लग रहा है. ग्रीन कलर है, काफी हटके कलर है. ये वाला भी शिमरी मटेरियल अच्छा है. ये पूरा स्टिच्ड है, ये वो चिपकाया हुआ वाला शिमर नहीं है, इट्स ऑल स्टिच. तो कुछ भी फॉलिंग आउट नहीं होने वाला. तो मैंने एस ऑर्डर किया है. सो जिस भी ड्रेस से मुझे लगता है ऐसे वाला स्टाइल है कि टाइट फिटिंग आनी जरूरी होती है, उसमें मैं एक साइज डाउन ही ऑर्डर करती हूँ. सो एस इज द साइज ऑफ दिस वन. एंड कमिंग टू द सेकंड ड्रेस, जो मैं जिस दिन कॉकटेल थी ना मेरी, मैं उस दिन तक भी बार बार ट्राई करके चेक कर रही थी पहनूं ना पहनूं. बट देन फाइनली जो मैंने ड्रेस पहनी वो है मेरी प्रीवियस अर्बेनिक हॉल की. अगर आपने मेरा प्रीवियस अर्बेनिक हॉल नहीं देखा, मैं यहाँ कहीं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी. उसमें मैंने गोल्डन कलर की एक ड्रेस ली थी, वो मैंने पहनी थी. द थिंग इज दैट वो ड्रेस तो बहुत सुंदर थी, लेकिन मैंने गलत टमी टक्कर पहन लिया जिसकी वजह से मेरा पेट पूरा ऊपर की तरफ बल्जिन हो गया था. बट अदरवाइज द ड्रेस वॉज सुपर प्रिटी. हमारी कॉकटेल पार्टी की थीम थी ब्लैक एंड गोल्ड, सो अमन वॉज वेयरिंग ब्लैक, आई वॉज वेयरिंग गोल्ड, तो काफी सुंदर लग रहा था, कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा था. बट जो मेरा सेकंड ऑप्शन था फॉर माई कॉकटेल सेरेमनी वॉज दिस गाउन. और अब ये गाउन वेट करेगा कोई अच्छे ओकेजन की. इट्स अ सुपर ब्लिंगी लॉन्ग गाउन, मतलब बिल्कुल जैसे वो रेड कार्पेट गाउन होते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा है. कंप्लीटली कवर्ड, अगर आप थोड़े से कवर्ड मॉडर्स्ट कपड़े पहनना चाहते हो तो उसके लिए ये काफी अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज ये फुल स्लीव्स का गाउन है पूरा. मैंने ट्राई भी किया हुआ तो इसलिए थोड़ा फोल्डेड है. ये पूरा ऐसे फुल स्लीव्स का गाउन है, यहाँ से पूरी नेकलाइन कवर्ड है, यहाँ पे एक हल्की सी अंदर इनर की नेकलाइन जा रही है. लाइक दिस इज वेरी कंफर्टेबल. अगर आपको थोड़े से स्टाइलिश कपड़े पहनना पसंद है लेकिन आपको कंफर्ट देखना, आपको पूरे अच्छे ढके हुए कपड़े पहनना पसंद है, उस सेंस में ये ड्रेस बहुत प्रिटी है. इट्स नाइस लॉन्ग, पूरे यहाँ पे नीचे आपको ऐसा फ्लेयर मिलता है. आप देख सकते हो मेरे ऊपर कैसी लग रही है, बहुत अच्छा इसमें फ्लेयर आता है. इसमें जो मैंने साइज ऑर्डर किया था वो था एम, और एम अगेन मुझे यहाँ से लूज आता है. नीचे से बिल्कुल ठीक आता है लेकिन यहाँ से बहुत लूज आता है, तो उस दिन मैं इसको ऑल्टर नहीं करा पाई. इस पे काम भी बहुत सुंदर है, लाइक लुक एट दिस, बहुत अच्छा पेटल्स का काम है. एवरीथिंग इज स्टिच्ड वेरी प्रॉपरली, कुछ भी झड़ने वाला निकलने वाला काम नहीं है. काफी बार जब लोकल में ड्रेसेस लेते हो ना उस पे ऐसे शिमर चिपकाया हुआ होता है एंड देन इट कीप्स फॉलिंग, इसमें वाला सिस्टम नहीं है. सो ड्रेसेस एंड क्लोथ्स आर ओवर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैग्स नाउ, बिकॉज मैंने पहली बार अर्बेनिक से बैग्स ऑर्डर किया है. मैं काफी लोगों के हॉल देखती थी, इंस्टाग्राम पे रील्स देखती थी, बैग्स ऑर्डर करते थे. आई वाज लाइक मैं भी जरा ट्राई करती हूँ अर्बेनिक के बैग्स कैसे आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव द फैक्ट इनके सारे प्रोडक्ट्स ऐसे अलग अलग जिप लॉक में आते हैं, सो आप इनको इसमें स्टोर भी कर सकते हो. ऐसे वाले जो बैग्स होते हैं ना, मैं आपको यही एडवाइस दूंगी यू कैन से कशिका ज्ञान, कि ऐसे जिप लॉक में ही स्टोर करके रखा करो, बिकॉज देयर इज अ चांस कि मॉइस्चर आ जाए, खराब हो जाए, इनकी स्किन पील हो जाती है. सबसे पहले मैंने लिया है एकदम ये चटाक
का लगा, गोल्डन बैग. नाउ ऑनेस्टली पिक्चर से तो काफी क्लासी लग रहा था, सुंदर लग रहा था. मैंने स्पेसिफिकली गोल्डन इसलिए लिया कि अब शादी हो गई है, अब इंडियन आउटफिट्स कैरी करूंगी. मोस्ट ऑफ द इंडियन आउटफिट्स हैव गोल्ड हिंट इन इट, तो ऐसे बैग्स चल जाते हैं. सो मुझे काफी सही लगा. और मैं बैग्स हमेशा ऐसे ही लेती हूँ जिसमें मेरा फोन फिट आ जाए. यू कैन सी फोन आराम से इसमें पूरा फिट आ सकता है. सो ये आप इसको एज अ हैंड बैग भी कैरी कर सकते हो एंड एज अ स्लिंग टू, विच इज अ गुड थिंग. मैं मोस्ट केसेस में स्लिंग की तरह कैरी करती हूँ. सो इसके बाद आपको ये चेन मिलती है एंड द बेस्ट पार्ट इज चेन के साथ आपको ये भी मिलती है शोल्डर स्ट्रैप, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज काफी बार जब ये चेन आप यहाँ पे ऐसे कैरी करते हो ना, देयर इज अ चांस बाल खिंच जाते हैं, आपका आउटफिट खराब हो जाता है. सो ये जो स्ट्रैप रहती है काफी ऐसे कंफर्टेबल रहती है. सो आपका मन है आप इसको एज अ स्लिंग कैरी कर सकते हो या फिर एज अ हैंड बैग. इसमें और भी कलर्स अवेलेबल है. सो दिस इज हाउ द बैग लुक्स लाइक. मैं आपको पास से इसका टेक्सचर दिखाती हूँ. ये पास से कुछ इस तरह से दिखता है. द क्वालिटी इज नाइस, नॉट बैड फॉर द प्राइस पॉइंट. द क्वालिटी इज ओके, स्पेशियस भी काफी अच्छा है. इसमें आपको मिलता है एक पिंकिश सा कलर, देन इसमें व्हाइट कलर भी है, इसमें बहुत प्रिटी सा ऑरेंज कलर भी है. आजकल ऐसे वाले बैग्स काफी चल रहे हैं ना, सो काफी प्रिटी इसमें एक ऑरेंज कलर भी है. देन अपना कॉम्पैक्ट लिपस्टिक इजिली कैरी कर सकते हो. मुझे वो मिनी मिनी वाले यूजलेस बैग्स नहीं पसंद बिकॉज उसमें कुछ नहीं आता, बट दिस इज नाइस. कलर थोड़ा सा लाउड लग रहा है बट आई थिंक आई कैन मैनेज विद इंडियन आउटफिट. नेक्स्ट बैग इज सुपर 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 प्रिटी. ये तो मुझे बहुत ही सुंदर लगा, इसको तो मैं डेफिनेटली कैरी करने वाली हूँ. इनफैक्ट आई वॉज वेटिंग कि मैं हॉल शूट करूँ, उसके बाद मैं सारी चीज़ों को यूज करना स्टार्ट करूँ. सो दिस आउट लुक्स लाइक. यहाँ पे बहुत प्रिटी सी ऐसे चेन मिलती है. दिस इज हाउ द मटेरियल लुक्स लाइक. काफी लाइट वेट है, मतलब ये बहुत हल्का बैग है. इट्स नॉट दैट हैवी या बिल्कुल भरा भरा नहीं है. मैंने अपनी बबल रैप डाली हुई है इसमें, सो दैट इसकी शेप इंटैक्ट रहे. अंदर आपको प्रॉपर ऐसे जिपर मिलती है, सो आप जिप बंद भी कर सकते हो. एंड एक अच्छी सिक्योर भी आपका बैग हो जाता है एंड अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है. लाइक लुक एट दिस, बहुत अच्छी स्पेस है, लुक्स वेरी नाइस. और यहाँ से आपको मिलता है स्लिंग. सो ये कुछ आप इस तरह से ऐसे फ्रंट में इसको रख सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी कैरी कर सकते हो. अगर आप ऐसे कैरी करना चाहते हो, आप स्लिंग इसमें रिमूवेबल नहीं है, इसका स्लिंग रिमूवेबल नहीं है, आप इसको रिमूव नहीं कर सकते. लेकिन आप ऐसे चाहो तो ऐसे कैरी कर लो, या फिर ये ऐसे स्टाइल के लिए नीचे हैंग हो जाएगा एंड देन आप इसको लूज या टाइट कर सकते हो. लाइक अगर आप एज अ स्लिंग कैरी करना चाहते हो तो आप इसको एज अ लूज करके एज अ स्लिंग भी कैरी कर सकते हो. लुक्स वेरी नाइस. ब्लैक कलर भी है, सो अगर आप ब्लैक कलर कैरी करना चाहते हो, वी हैव अ ब्लैक कलर एज वेल. प्राइस भी इसका काफी अच्छा. दिस फॉर 1990, डेफिनेटली रियली नाइस. बाकी तो आगे जाके कैरी करके ही पता चलेगा कि कितना ये ड्यूरेबल है, वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे बताऊंगी. मैं ड्यूरेबिलिटी लॉन्ग वेयर टेस्ट जो होते हैं मैं इंस्टाग्राम पर ज्यादा करती हूँ, बिकॉज जब कैरी करूंगी लंबे टाइम के लिए टेस्ट करूंगी तब भी आपको बता सकती हूँ. बट फॉर नाउ इट फील्स गुड. फाइनली कमिंग टू द लास्ट बैग, जो बहुत ज्यादा बड़ा आ गया. मतलब इमेजेस को देख के नहीं लग रहा था ये इतना बड़ा बैग होगा, बट लुक जैसे तो पूरा ऐसे टीचर वाला पर्स मैं इसको बोलूंगी, बिकॉज हमारी टीचर्स ऐसे बड़े बड़े बैग्स कैरी करती थी. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. बहुत ज्यादा बड़ा है. मैं इतने बड़े बैग्स अब कैरी नहीं करती बिकॉज इतना सामान होता ही नहीं है. मेरे इतने वाले बैग्स में भी सामान इजिली आ जाता है. लेकिन अगर आप अपनी ट्रिप पे जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, आपको लाइक बड़ी बॉटल रखनी है, फिर आप कॉलेज जाते हो, आपकी इसमें बड़ी सी बॉटल आ जाएगी, बड़ा सा अम्ब्रेला आ जाएगा, आपके रजिस्टर भी आ जाएंगे. सो ये उस टाइप वाला बैग है. यहाँ पे बहुत अच्छे से नॉट वाला जिप पे डिजाइन दिया हुआ है. वंस यू ओपन इट, वी हैव नाइस ह्यूज स्पेस इनसाइड इट. मतलब काफी बड़ी स्पेस है. अंदर भी आपको जिप मिल रही है, बाकी बैग्स में अंदर जिप नहीं थी, इसमें आपको एक अंदर भी जिप मिल रही है बड़ी. सो इसमें आप अपना कैश वगैरह रख सकते हो और पीछे भी एक जिप मिल रही है. आई रिमेंबर जब मैं कॉलेज में थी ना, मैं हमेशा ऐसे बैग्स लेती थी जिसमें बाहर भी एक जिप हो, बिकॉज मेरा जो मेट्रो कार्ड होता है थोड़ी बहुत चेंज होती है, फिर फोन रखना होता है बार बार, वो मैं ऐसे बाहर जिप में रखती थी. सो एक बार जरा फोन टेस्ट करके देखते हैं कि बाहर वाली जिप में आ रहा है नहीं आ रहा, बिकॉज अगर आएगा तो परफेक्ट है. या इट्स कमिंग. मेरा आईफोन छोटे वाला तो आ गया है, प्रो मैक्स का नहीं पता, लेकिन प्रो इजिली इसमें फिट आ रहा है, विच इज़ गुड. मैं कॉलेज में ऐसी वाले बैग्स लेती थी. सो डेफिनेटली कॉलेज के हिसाब से काफ़ी अच्छा. और फ्रंट में एक ऐसा डिज़ाइन दिया हुआ है, पॉकेट जैसा यहाँ पे कुछ दिया हुआ है. लेट मी चेक की पॉकेट है या फिर ऐसी है. ओ इट्स अ पॉकेट, नहीं है, इट्स अ पॉकेट. एक छोटी सी आपको यहाँ पे पॉकेट मिलती है, सो यहाँ पर आप अपना आई कार्ड डाल सकते हो. लाइक कॉलेज का कोई आई कार्ड हो, आईडी कार्ड हो, जो आपको बार बार दिखाना हो, आप वो भी डाल सकते हो. तो इट्स अ रियली नाइस बैग. अगर आप कॉलेज के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो काफी अच्छा. अभी थोड़ा फ्लिमजी लग रहा है बिकॉज पूरा खाली है. जब इसमें आप चीजें डालोगे तो ये काफी अच्छे से शेप ले लेगा. अगेन वेरी वेरी स्पेशियस. दिस फॉर 1590 एंड द कलर इज दिस ओनली. और कोई कलर इसमें अवेलेबल नहीं है, बट ये भी काफी अच्छा कलर है. लाइक आपके सारे आउटफिट के साथ चला जाएगा. व्हाइट एंड ब्लैक एक अच्छा बेसिक कलर है. आई थिंक मैं प्ले बटन पे क्लिक करना भूल गई और ये पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ, बट मैंने ये टॉप भी ऑर्डर किया था. वेरी वेरी प्रिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कलर बहुत क्लासी है. ये वैसे पूरा ऑफ शोल्डर कॉर्सेट स्टाइल का टॉप है, लेकिन मैंने ऊपर करके पहना था. आप ऑफ शोल्डर करके पहन सकते हो. उसका ये कॉर्सेट भी बहुत प्रिटी है. मैंने मीडियम साइज ऑर्डर किया है एंड सुपर सुपर कंफर्टेबल, लव्ड इट.
with this, my Urbanic haul is over. Finally, long due haul. मैंने shoot कर लिया ये डब्बा literally 2 महीने से रखा हुआ था कि अब shoot करूँगी. Time नहीं मिल रहा था because चीज़ें shift हो रही थी, चीज़ें लगा रही थी, तो time थोड़ा लग जाता है. But now I'll be back. April month में regular videos आने वाली है. I know you guys missed my videos. मैं April में regular upload करने वाली हूँ. I hope you like this haul. इन सबके links आपको description box में मिल जाएंगे, proper links मिल जाएंगे, मेरा discount code मिल जाएगा. So अगर आप shop करना चाहते हो Urbanic से, do use my discount code as well. आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा. एफिलिएट कोड नहीं है, मैं इससे कुछ भी अर्न नहीं कर रही. दिस इज जस्ट फॉर माय ऑडियंस. जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको सारी डिटेल्स वहां पे मिल जाएंगी. एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.